हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर। आज आप लोगों के डिमांड पे, ठीक है, मैं मैथ्स का वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया कि सर वीडियो बनाइए। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा एक चैनल जो मैंने आज ही लॉन्च किया हूँ, जिसका नाम है मैथ्स बाय सूरज सर। तो आप इस वीडियो को यदि आप लोग देखिए और इसको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, ये आगे आप लोग पे ही डिपेंड करेगा कि मैं वीडियो को कितना आगे लेके जाऊँ। ठीक है, तो इसको जितना आप लोग शेयर करिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं एकदम बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एकदम जो मैथ पढ़ना जितना अभी स्टार्टिंग किए हैं उसके लिए है, और यहाँ से एक मार्क्स का हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, और मैं उन्हीं टॉपिक को ही पढ़ाऊंगा वीडियो में जो एग्ज़ाम से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो। ठीक है, इधर उधर का कोई टॉपिक नहीं लूँगा, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रॉपर मार्क्स का क्वेश्चन आता हो। तो इस टॉपिक का नाम, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न भिन्न की तुलना। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भिन्न कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो भिन्न बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे, जिसका अंश जो हो हर से छोटा। ठीक है, मतलब यदि हम लिखे कोई भिन्न जैसे 4/5, तो यहाँ ऊपर वालों को हम लोग अंश बोलते हैं, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर, हर। तो अंश यदि हर से छोटा होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, यदि अंश बड़ा हो जाए हर से, जैसे 8/5 मान लीजिए कोई भिन्न है, तो इसमें देखिए 8 क्या है, 8 हो गया अंश और 5 हो गया हर। 8 जो है 5 से यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही बनता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3/4 और 5/7। इसमें आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि दोनों में से बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बताना। ठीक है, सबसे बड़ा या लार्जेस्ट, सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट। तो अब देखिए, मार्केट में इसके लिए बहुत सारे तरीके, मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, सिंपल जो जो मेथड होते हैं थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एक मेथड का ही यूज करें, जिससे सारा जितना भी टाइप का क्वेश्चन उस एक मेथड का ही यूज करके सारा सॉल्व हो। ठीक है, तो उस पर मैं आने वाला हूं, उससे पहले इसके और भी जो तरीके हो सकते हैं उस पर थोड़ा बात करूं मैं। इसका एक सिंपल सा एक तरीका है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने सिखाया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 किया 21, तो 21 को यहाँ लिख दें, और यहाँ पे 4 और 5 को गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 21 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, तो 21 और 20 में आपको पता है कि 20 छोटा होता है और 21 बड़ा होता है, यानी ये जो 3/4 है ये बड़ा होगा 5/7 से। ये एक मेथड है। ठीक है, लेकिन ये मेथड का भी लिमिटेशन है कुछ। ठीक है, जब क्वेश्चन को थोड़ा सा
टिपिकल कर दिया जाए, जैसे इसी क्वेश्चन को यदि हम ऐसे लिख दें 19/26 और 21/29, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा या छोटा करना है, तो इस मेथड का आप यदि यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे गुना करिएगा, तो सबसे पहला बात तो 29 को आपको 19 से गुना करना पड़ेगा, जो काफ़ी कैलकुलेटिव है, ठीक है। गुना करने में भी आपका एग्जाम में टाइम चला जाएगा। तो ये सब मेथड का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, तो हम लोग आज एक ऐसा मेथड, मात्र एक ही मेथड सीखेंगे और उससे सारा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब सीखने जा रहे हैं हम लोग, तो उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, और बहुत ही आसान होता है, उससे आपका मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए उस मेथड को। तो अब जो बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको फोकस करिए, ठीक है। इसे दोबारा से मैं ये क्वेश्चन लिखूं, 19/26 और एक कुछ था 21/29। इसमें यदि आपसे पूछा है कि बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो मेथड का यूज करेंगे उसका नाम है डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए 19 और 26 में कितने का अंतर है, तो 7 का अंतर है, कितने का अंतर है, 7 का। यहाँ पे देखा है 21 और 29 में कितने का अंतर होता है, 8 का, 21 और 8 29 होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज पहले आप लिख दीजिए, और ये जो अंतर आया उसको 7 जो अंतर आया उसको नीचे डिनोमिनेटर बना दीजिए, हर बना दीजिए उसको, जो अंतर था उसको न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे, 19 का 19 लिखा गया, अब जो उन दोनों का अंतर था उसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। यहाँ पे भी सेम 21 और यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, 8, ठीक है। तो ऑन कर दी, जैसे 19/7 और यहाँ पे है 21/8। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर लिया पॉइंट के बाद, 1 से 2 अंक तक रखिए, आपको 7 का टेबल आता है, तो 7 में देखिए 19 में कितना बार भाग जा रहा है, 7 से काट लीजिए इसको, 7 × 2 = 14 हासिल बचेगा 5, तो पॉइंट लग गया, 5 के आगे 0 चिप पाएंगे तो 7 × 7 = 49, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक रखिए इसको। यहाँ पे भी भाग दीजिए 21 में 8 का, तो 8 से भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 8 × 2 = 16, ठीक है, हासिल कितना बचा, 5, 5 के आगे 0 लगाएंगे तो 50 हो गया, तो 8 × 6 = 48, यानी 2.6, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक का भाग दे दीजिए, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, 2.7 और 2.6 में आपको दिख रहा है कि 2.7 बड़ा है, इसका मतलब 19/26 इज ग्रेटर देन 21/29, ठीक है। 19/26 जो है बड़ा होगा किससे, 21/29 है। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारा क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11, 11/3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इससे असेंडिंग ऑर्डर ठीक है, ये सजाइए, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब हो गया, ठीक है, छोटा से बड़ा। तो अब देखते हैं हम लोग, तो हम लोग जो मेथड अभी सीखे हैं, ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं, आपको बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक कर लेना, आपको 3 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, 2, तो न्यूमरेटर को वैसे लिख देंगे, 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जैसे 5 को पहले आप उतार लो, जो न्यूमरेटर में 5 लिखा उसको एज इट इज लिख दिए, अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर है, 2 को लिख दो, ठीक है, 7 को एज इट इज उतार देंगे, 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 9 है और 11 है, 9 और 11 में कितना का अंतर है, 2, तो 2 को नीचे, और ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, 11 और 13 में कितना का अंतर है, तो 2 का, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सबके नीचे 2 दिख रहा, तो कुछ नहीं, 2 का मतलब 2 से डिवाइड करने का मतलब सबको आधा करो, तो 3 का आधा होता है 1.5, मतलब 1.5, 5 का आधा 2.5, 7 का आधा 3.5, ठीक है, 9 का आधा 4.5, 11 का आधा 5.5,
तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच में है, सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए, तो आपको यदि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना, छोटा से बड़ा में सजाना आपको, ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, 1.5 के लिए कौन सा फ्रैक्शन यूज करेंगे, 3/5, ठीक है, 3/5 ये सबसे छोटा हुआ, ठीक है। तो इससे ठीक बड़ा कौन है, इससे ठीक बड़ा ये 2.5, तो 2.5 का मतलब कितना, 5/7 लेस देन का यूज करेंगे, ठीक है। इससे ठीक बड़ा कौन है, तो इससे ठीक बड़ा 3.5 है, तो 3.5 के लिए कितना, 7/9 लिख देंगे, ठीक है। इससे ठीक बड़ा कौन है, 4.5 के लिए 9/11, और इससे ठीक बड़ा कौन है, 5.5 यानी 5.5 के लिए 11/13। तो ये आपका सीरीज बन गया आरोही क्रम का, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा 11/13, उससे ठीक बड़ा कौन है, 9/11 से, ठीक है, 9/11 उससे छोटा है, उससे छोटा कौन है, 7/9 से छोटा 5/7, और 5/7 से सबसे छोटा कौन है, 3/5, ये स्मॉलेस्ट हो गया, और क्या हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कंपेरिजन वाला कोई भी क्वेश्चन हो, इसी मेथड से आराम से मुश्किल से 10 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। और ये तो मैं लिख रहा हूँ, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो डिफरेंस आपका मन में ही डिवाइड कर सकोगे आप, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ, तो कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 35/38, 40/42, 25/29, 28/40, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप यदि नॉर्मल तरीका से करोगे तो इम्पॉसिबल है, हो नहीं पाएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे आप क्रॉस मेथड बताया जाता है या और कोई भी मेथड, तो उससे एग्जाम में काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया मेरा जो मेथड है डिफरेंस मेथड, उसको अप्लाई करिए और देखिए क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस मेथड में क्या करना है, आपको अंश और हर का अंतर लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर। तो 35 को तो ऊपर का 35 लिख लो पहले आप, 35 और 38 में कितने का अंतर है, 3 लिख दीजिए। 40 और 42 में कितने का अंतर है, 2 आप नीचे लिख दो, ये 40 एज इट इज ऊपर लिख दीजिए। 25 और 29 में अंतर कितने का है, 4 का, 25 को एज इट इज ऊपर लिखेंगे। 28 को आप ऊपर लिख लो, 28 और 40 में कितने का अंतर है, 12 का, ठीक है। बस अब इसको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट के बाद मतलब एक काट के रख दो, एक डिजिट कट, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 11/33 11 पॉइंट, ठीक है, 11.6 आएगा। 2 से काटेंगे तो 20, ठीक है, 4 से काटेंगे 4×6=24, ठीक है, 6.25। यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12×2=24, 4×28 12×3=36, 2.3, ठीक है। आपको ज़्यादा आगे तक नहीं लेना, पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट रखे हैं हम, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा, तो सबसे छोटा का यदि बात करें तो 2.3 दिख रहा है आपको, सबको सबसे छोटा, तो 2.3 का मतलब हो गया 28/40, 28/40 जो है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट का यदि बात करें तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, तो 11.6 का मतलब 35/38 सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट 35/38, ठीक है। इस तरीके से होता क्या है ना, आपको कुछ भी बोला आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे भी आप सजा के, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, कैसे भी सजा के लिख सकते हो, ठीक है। छोटा से बड़ा बोलेगा तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे मिडिल में कौन है ये भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन है 15/16, 8/3, 11/12, 7/8, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब इसको देखा जाए तो वही मेथड का यदि यूज करें हम लोग अपना मेथड, कि 15 और 16 का जो अंतर है 1, तो 15/1 हो गया, ठीक है। 8 और 3 का अंतर कितना है, 5, तो 8/5 इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। 11 और 12 में कितना का अंतर है, ठीक है, ठीक है, 11 और 12 में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो 11/1
सात और आठ में कितने का अंतर है? तो सात और आठ में एक का अंतर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई बीच में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू दे देगा, जैसे आठ बटा तीन को थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऊपर का जो वैल्यू है नीचे वाले वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। आठ जो होता है तीन से ज्यादा, बाकी और किसी में आप देख लो किसी में भी ऊपर का वैल्यू नीचे वाले से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कहीं पे भी यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख जाए तो वो ऑटोमेटिक सबसे बड़ा हो जाता है, इसको चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं, ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यही होगा। यदि किसी सीरीज में, ठीक है, फ्रैक्शन के सीरीज में कोई यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए तो वही सबसे लार्जेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे यदि इसमें तो लार्जेस्ट तो हो पता चल गया कि आठ बटा तीन इसका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा, तो अब इसको तो नहीं लिखेंगे, बाकी इन तीनों में आप कंपेरिजन कर लो कि इसमें सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन, तो देख लिए वैसे ही डिफरेंस मेथड का यूज़ किया। तो आप देखो एक से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो वही मिलेगा ना, 15, 11 और 7। यदि आपसे पूछता कि सबसे छोटा बताइए तो सबसे छोटा 7 है, 7 का मतलब किस कहाँ से आया 7, तो 7/8 है, तो 7/8 क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का, ठीक है। तो केवल एक मेथड का यूज करना, वो डिफरेंस मेथड, और इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना कोई कंफ्यूजन का, आप इसको कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में रहता ही है, खासकर रेलवे में एक क्वेश्चन रहेगा इससे। जैसे एक क्वेश्चन है 5/6, 3/4, 5/8 और 6/7, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 5 को, ये ऊपर का 5 को 5 लिख लिया, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 लिख दीजिए, 1। 3 को 3 लिख देंगे, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 1 लिख दो। 5 को 5 लिखेंगे, 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3, ठीक है। 6 को 6 लिखेंगे, 6 और 7 में 1, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो ये 5 ही आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा यदि आपसे पूछा जाए तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब 5/8, ठीक है, 5/8 से ये मिला, तो 5/8 सबसे छोटा वैल्यू। सबसे बड़ा यदि पूछ लिया जाता तो ये क्या होता है, 6 कहाँ से आया, 6/7 से, तो 6/7 क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट का वैल्यू हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस मेथड केवल एक ही मेथड का यूज़ करें, आप लोग अलग अलग मेथड का यूज़ करिएगा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्रॉस मेथड या कोई अदर कोई मेथड का यूज़ ना करके केवल इस मेथड पर ध्यान दीजिए, जिससे फ्रैक्शन का कंपेरिजन वाला सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला, ठीक है। तो इस डिफरेंस मेथड को ध्यान रखिए और कोशिश करिए बुक में कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं हम, ओके। और आप लोग से निवेदन है कि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो ये आप लोग पे डिपेंड करेगा मैं आगे कब तक वीडियो बनाऊँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक है। और ऐसे ही हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का केवल एक सिंगल मेथड से मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम से पूरा पूरा कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ्स बाय सूरज सर, ठीक है, ये मेरा नंबर है। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई डाउट हो किसी टॉपिक पे, तो आप लोग उस पर पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके, ओके।